हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ती से कुर्ती का नाप, सिली हुई कुर्ती से, और हमें नाप किस तरीके से लेना चाहिए वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये बहुत ही अच्छी वीडियो है क्योंकि देखिए बहुत से हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमें सिले हुए कपड़े दे जाते हैं और कहते हैं कि इसके नाप से इसकी फिटिंग बना देना। तो इसके लिए हमें किस तरीके से नाप लेना चाहिए, ब्लाउज का नाप मैंने बता दिया है, ब्लाउज का नाप किस तरीके से लेते हैं उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। और अब मैं कुर्ती का नाप बताने जा रही हूँ कि देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है। जैसे ये हमारे पास कुर्ती है तो इसका हमें नाप लेना है, तो सबसे पहले हम इसे उल्टा करेंगे, यानी रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेंगे। अब देखिए मैंने इसे उल्टा कर लिया है, उल्टा करने के बाद में बिल्कुल भी इसे खींचना नहीं है, ऐसे कि ऐसे ही रख लेना है अच्छे से। और आप कागज और पेन पे ले लें, उससे लिख लें क्योंकि आपको बार बार नाप लेने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं तो ऐसे भी रख लें। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई है, सिलाई से नाप लेना है हमें, बिल्कुल सिलाई से और इस सिलाई तक लेना है। ये हमारा 18 इंच आ रहा है, ज्यादा कपड़े को खींचना नहीं है, जैसा भी है ऐसे कि ऐसे अच्छे से सेट करके रखें और यहाँ से नाप लें। ये जो हमारे आर्म होल्स की सिलाई लगी हुई है उसके पास से लें बिल्कुल, और इस तरीके से जैसे आपको दिख रहा होगा कि हमारा ये बिल्कुल 18 इंच आ रहा है। और यहाँ से देखिए यहाँ पर बीच में एक कट लगा हुआ होता है काफी कुर्तियों में, अब हम तो लगाते हैं, अगर इसमें नहीं है तो यहाँ से इस तरीके से चौक नाप लें आप, जैसे कि इसके चौक आ रहे हैं 14 इंच, तो इसका हाफ हो गया कमर के लिए 7 इंच पर इस तरीके से। और इधर भी एक मार्क कर लें 7 इंच पर ही, यहाँ पर मैं 7 इंच पर एक मार्क कर लूंगी यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पर भी एक 7 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। और इसको इस यहाँ से नापेंगे तो यहाँ से हमारी कमर आ रही है 16 इंच, कमर है जो हमारी वो 16 इंच आ रही है और ऊपर से हमारा 18 इंच है। अब इसकी देखिए जहाँ से हमारी स्लिट फोल्ड हुई है, हिप है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से भी हमें बिल्कुल इसी तरीके से इस कपड़े को ऐसे करके सिलाई की ही जगह से नापना है इस तरीके से। तो ये हमारा 20 आ रहा है, नीचे से हमारा यही 20 है, तो यानी कि यह यहाँ से 18 है, यहाँ पर 16 है और जो हिप है हमारी वो 20 इंच है। और इसके बाद में कोई नीचे से भी आपको उतना ही रखना है, तो ये इस तरीके से नाप लेंगे। ये भी हमारा 20 है, तैयार है जो 20 है। और हम जब कपड़े की कटिंग करते हैं तो लूजिंग के लिए 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं 2 इंच, तो वो हमारी ये जो सिलाई है से अंदर अंदर का नाप लेना है आपको, और ये जो एक्स्ट्रा होता है ये इसकी फिटिंग में आता है। वो हमारी कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही हमने अपने चैनल पर डाल रखे हैं कुर्ती की, अगर आपको देखना है तो वहाँ से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हम नाप लेना बता रहे हैं। अब तीरे का लेना है, तो तीरे को देखिए बिल्कुल भी गला काफ़ी डीप होते हैं तो उन्हें हमें ऐसे खोल के नहीं रखना है, बिल्कुल एक साथ तरीके से ऐसे ही रखना है, फैलाना नहीं है बिल्कुल भी। इनकी जहाँ पर सेप आई हुई है अच्छे से उसे इसी तरीके से रखें, ना ही सुकेड़ना है और ना ही फैलाना है, इसी तरीके से रख के। और यहाँ से ये जो सिलाइयाँ आई हुई हैं, कपड़ा सिला हुआ है, ये कपड़ा भी हमें लेना है सिलाई में, जो नाप में ये कपड़ा जो सिलाई में दबा हुआ है ये भी लेना है दोनों तरफ से। तो इस कपड़े को यहाँ से इस तरीके से नापेंगे, ये हमारा 12 इंच आ रहा है, तो इसका तीरा हुआ 12 इंच। और गले की भी जो ब्रॉडनेस है आप इसी तरीके से नाप सकते हो, अंदर अंदर हमारी ये 7 इंच आ रही है। आप जितना डीप इसे बनाना चाहते हैं नीचे की तरफ, या इसकी ब्रॉडनेस का चौड़ा करना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से करें, इसी तरीके से इसका नाप होता है। अब ये जैसे कि हमने आपको बताया है कटिंग के समय हमने सारा कुछ बता रखा है, आर्म होल्स की हम तीरे के हिसाब से ही नाप लेते हैं, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि आपका जितना भी तीरा है उसका हाफ लेना होता है। तो जैसे इसका 12 है तो इसका 6 इंच आएगा। बाजू आप इसमें जिस भी तरीके की बनाए, हाफ बनाए या फुल बनाए, आप उसी तरीके से इसका नाप लें। तो देखिए यहाँ से बाजू को भी हमें अच्छे से रख लेना है, ये हमारे पौन बाजू का है, तो इसकी बाजू है कंप्लीट 16 इंच। अब 16 इंच बाजू है तो इसमें भी हमें जैसे ये हमारा परफेक्ट जो नाप है, आप इसे हाफ बनाए जितना भी बनाए, आप बाजू की लेंथ अपने हिसाब से लें। और जो इसकी गोलाई है नीचे से इसकी 5 इंच है, और इसी तरीके से आप यहाँ से अगर पौन बाजू ही बना रहे हैं तो एक बार यहाँ से बीच से नाप लें, यहाँ से 6.5 इंच है इसकी, तो इसी तरीके से इसका नाप लेना होता है।
अब देखिए कुर्ती की लंबाई नाप लेंगे। ये कुर्ती की आपको जो भी लेंथ चाहिए उस हिसाब से। अब देखिए कुर्ती के लिए यहाँ से जो ये हमारा कपड़ा है जो इस सिलाई में आ चुका है उस कपड़े को भी हम नाप लेंगे। और इस तरीके से हमारी कुर्ती की जो लंबाई है 36.7 इंच है। और जो भी आप लंबाई लें उसमें 2 से 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लें जो नीचे फोल्ड होगा। ऊपर के लिए हमने ऊपर का कपड़ा नाप लिया है। आपको लेंथ अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेनी है। जितनी भी आपको कोई कुर्ती दे कम या ज़्यादा उसी हिसाब से लें। इसकी हमारी 37 है। इसका नाप इसी तरीके से कुर्ती का लिपटा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। और नाप लेने का तरीका आपको पसंद आए तो कमेंट करके भी बताएं। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।